अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने होम सीट बेगूसराय से 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारने के बाद कन्हैया कुमार को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ क्यों उतारा गया, इसकी वजह क्या है? मीडिया एनालिसिस में इसको कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ आपका एक और सवाल उठता है कि अजय माकन से लेकर अरविंद सिंह लवली और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जैसे पके पकाए कांग्रेसियों का टिकट काटकर और कन्हैया कुमार को मैदान में उतार कर कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है या मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 14 अप्रैल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का नाम जारी किया। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है कन्हैया कुमार का, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया। कन्हैया इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं, उस मनोज तिवारी के खिलाफ जो पिछले 2 बार से भारी मतों से इस सीट को जीतते आए हैं। अब कन्हैया कुमार जो पिछले काफी सालों से बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर राजधानी दिल्ली में उनकी वापसी हुई है। कन्हैया वैसे मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और दिल्ली से कांग्रेस ने जब उन्हें मैदान में उतारा तब से 2 सवाल हैं जो पक्ष विपक्ष से लेकर आम वोटर्स के मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल है कि बिहार के रहने वाले कन्हैया को दिल्ली में क्यों उतारा गया? क्या इस दाव से कांग्रेस केवल इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है या फिर कांग्रेस का प्लान कुछ और है? दूसरा सवाल है कि इस सीट पर जब मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट बीजेपी ने इस बार नहीं काटा यानी रिपीट किया, मतलब जो इस सीट पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, कम से कम पार्टी का तो यही मानना होगा, ऐसे में इस सीट पर कन्हैया को क्यों उतारा जा रहा है? इन दोनों ही सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पहले इस सीट के बारे में जानना होगा। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र यूपी से भी लगता है, यहाँ बड़ी संख्या में बिहार से आए लोग रहते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर ईस्ट यूपी और बंगाल तक के लोग इस इलाके में रहते हैं। राजनीतिक सहूलियत वाली भाषा में इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीट पर करीब 28% पूर्वांचली वोटर हैं, जिनकी संख्या काफी निर्णायक है। इसी वजह से बीजेपी ने मनोज तिवारी को लगातार 3री बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। साल 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से यहाँ जीत दर्ज की थी। बिहार से आने वाले मनोज तिवारी एक बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं और इसके साथ ही साथ भोजपुरी स्टार होने की वजह से उनकी लोकप्रियता पूर्वांचल के लोगों में अच्छी खासी है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें कैंडिडेट बनाने के बीजेपी के दाव पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। साल 2016 में जेएनयू में जिस तरह के नारे लगे थे और उन नारों की वजह से कन्हैया को जेल जाना पड़ा था, इन तमाम वजहों से उनके ऊपर जो देशद्रोह का टैग लगा है वो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हालांकि भारत का कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आपको दोषी साबित नहीं किया जाता तब तक आप निर्दोष हैं। अभी तक उनको कोई सजा नहीं हुई, हालांकि फिर भी ये टैग उन पर लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली की छात्र राजनीति में एक्टिव रहने से और खासकर अपने भाषणों को लेकर कन्हैया कुमार यूथ वोटर्स, खासकर यूपी बिहार से आने वाले यूथ के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। इसका अंदाजा आप साल 2019 के चुनाव से लगा सकते हैं, जहां अपने पहले ही चुनाव में उनको कुल 2,70,000 के आसपास वोट मिले। माना जाता है कि पूर्वांचली वोटरों में उनकी लोकप्रियता भी मनोज तिवारी से कम नहीं है, इसलिए सारे राजनीतिक समीकरणों का गणित बैठाकर कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा। इस सीट का एक समीकरण ये भी है कि साल 2020 के दिल्ली दंगे जो हुए थे उसका संबंध भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है। इस सीट में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और कारगिल नगर जैसे इलाके आते हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है, जिसका फायदा कन्हैया कुमार को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीट पर करीब 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूर्वांचली वोटों के साथ मुसलमानों का वोट भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के बावजूद इस सीट पर मनोज तिवारी से उनकी टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में मनोज तिवारी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस में इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों बताया जा रहा है। आपके साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस राजधानी दिल्ली में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रही है। इनमें एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का सीट है, जिस पर कांग्रेस ने अपने पीसीसी प्रमुख अरविंद सिंह लवली, अजय माकन और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जैसे अन्य नेताओं के बजाय कन्हैया कुमार को टिकट दिया,
ये उस दिल्ली में हुआ है जहां 2013 के बाद से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में ही कांग्रेस के लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ जहां 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस दिल्ली के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई, दूसरी तरफ 2015 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक विधानसभा में भी खाता नहीं खोल पाई। एक तरफ आम चुनाव में वो पीएम मोदी के चेहरे के सामने पस्त है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने दिल्ली से कन्हैया को आगे करके मास्टर स्ट्रोक चला है, और अगर वो हार भी जाते हैं तो भी उन्हें शीला दीक्षित की तरह दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बनाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कन्हैया अभी सिर्फ 37 साल के हैं, ऐसे में कांग्रेस उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है, खासतौर से उन्हें संगठन को फिर से मजबूत करने का काम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि कन्हैया को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है। ये उस कन्हैया को लेकर कहा जा रहा है जो जेएनयू की छात्र राजनीति वाले दिनों से लेफ्ट के नेता रहने तक के दिनों तक कांग्रेस को खूब भला बुरा कहते आए हैं। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में कन्हैया की ये दूसरी लड़ाई है, इससे पहले साल 2019 के चुनाव में कन्हैया ने अपने राज्य बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई यानी लेफ्ट के टिकट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर कन्हैया को कुल 22% यानी लगभग 2,70,000 वोट मिले थे। पहले चुनाव के लिहाज से ये वोट ठीक ठाक थे, लेकिन राष्ट्रवाद की लहर चलाने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो सुनामी थी उसमें बीजेपी के गिरिराज सिंह ने इनको शिकस्त दी। हालांकि वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव जैसे दिग्गज की पार्टी आरजेडी वाले महागठबंधन से आगे रहे। इस सीट पर 2019 में कन्हैया को दूसरा पायदान मिला था, जिसके बाद लगा कि उनका प्रोफाइल डाउन हो जाएगा, लेकिन जब से कन्हैया कांग्रेस में आए उनकी प्रोफाइल में बढ़ोतरी होती गई, यानी प्रोफाइल बड़ी होती गई। वर्तमान में वो कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। वो राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्राओं का हिस्सा भी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि कन्हैया कुमार इस साल भी बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में सीट कांग्रेस को नहीं मिली। वैसे भी माना जाता है कि आरजेडी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करती। इसकी वजह ये बताई जाती है कि लालू की पार्टी ये नहीं चाहती कि बिहार में तेजस्वी के सामने किसी युवा नेता को बढ़ने का मौका मिले। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलने के लिए चर्चित युवा नेता कन्हैया कुमार से राहुल गांधी खासे प्रभावित हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलेगी? अगर मिलती है या नहीं भी मिलती तो क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली का प्रमुख बना देगी? चुनावी कैंपेन में जब वो पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले करेंगे तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इन सवालों के बीच बीजेपी वालों का तो यहां तक कहना है कि मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को कम से कम 5,00,000 वोटों से हराएंगे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।